हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव 58,000 से अधिक मतों से जीता। कहा, केंद्र ने हमें सत्ता से हटाने की कोशिश की। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत पक्की की है। आपको बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 58,832 मतों के अंतर से चुनाव जीती है। 17वें चरण की मतगणना के बाद आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार बनर्जी को 67,620 वोट मिले हैं। उनकी करीबी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका टिबरेवाल को 21,882 मत मिले हैं, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्रीजीव विश्वास को 2,896 मत मिले हैं। बनर्जी ने कहा कि जब से बंगाल में चुनाव शुरू हुए, केंद्र सरकार ने हमें तब से सत्ता से हटाने की साजिश रची। मेरे पैर में चोट लगी ताकि मैं चुनाव न लड़ूं। 6 महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए और लोगों का मुझे वोट देने के लिए मैं उनकी आभारी हूं। बनर्जी ने कहा कि यहां भवानीपुर में लगभग 46% लोग गैर बंगाली हैं, उन सभी ने मुझे वोट दिया है। पश्चिम बंगाल के लोग भवानीपुर देख रहे हैं, जिसने मुझे प्रेरित किया है। एम्स के विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। कहा, फिर से वापस आ सकता है कोरोना का खतरा, कई देश अभी भी लड़ रहे हैं इससे जंग। जी हां, आपको बता दें कि एक शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ युद्ध अभी भी जारी है, क्योंकि यह बीमारी फिर से बड़े स्तर पर वापसी कर सकती है। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन विग ने कहा कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए, महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। डॉक्टर विग की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भारत ने सफलतापूर्वक कोविड-19 टीकों की 90 करोड़ खुराकें लोगों को लगा चुका है। विशेषज्ञ ने बताया कि महामारी से सफलतापूर्वक निपटने का एकमात्र रास्ता है यह है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी चाहिए। अच्छी नींद के लिए टीवी देखने से भी कहीं अधिक बुरा है सोशल मीडिया और वीडियो गेम। जी हां, आपको बता दें कि कई सारे अध्ययनों की हाल ही में की गई एक समीक्षा से पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उपकरणों के इस्तेमाल से बच्चों, खास करके 6 से 15 साल की उम्र के बीच वालों के सोने में देरी हो रही है और उनकी नींद की गुणवत्ता खराब हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ डेनमार्क के शोधकर्ताओं के एक दल ने पाया कि जहां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामलों में मीडिया का उपयोग और कम नींद आने की समस्या टेलीविजन और टैबलेट के उपयोग से जुड़ी हुई थी, तो ही 6 से 15 वर्ष के बच्चों को कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे सेलफोन, कंप्यूटर, विभिन्न उपकरणों पर ऑनलाइन होना और वीडियो गेम के लगातार उपयोग के कारण सोने में परेशानी हो रही थी। 13 से 15 की आयु वर्ग के किशोरों में भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल और उनकी सोने में परेशानी के एक दूसरे से जुड़े होने का प्रमाण मिला, जबकि 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों ने ज्यादा देर तक टेलीविजन देखा, जिससे कि उन्हें सोने में देरी हुई और इसके परिणाम स्वरूप उनकी नींद की गुणवत्ता खराब हुई है। यह निष्कर्ष साल 2009 से 2019 के बीच प्रकाशित 49 ऐसे अध्ययनों की समीक्षा करके निकाले गए हैं, जिसमें उच्च आय वाले देशों के 3,69,000 से अधिक बच्चे शामिल थे। इसका परिणाम इसी सप्ताह BMC पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यह समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नींद को कैसे प्रभावित करता है, इस समीक्षा को तैयार करने वालों ने सोने का समय और नींद आने की शुरुआत, नींद की गुणवत्ता, नींद की अवधि और दिन में सोने की अवधि जैसे मानदंडों पर विचार किया था। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज। इस महीने फिर 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जी हां, लंबे समय से महंगाई भत्ता का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी DR 28% मिलना शुरू हो चुका है।
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए को 17% से बढ़ाकर 28% किया है। इसी बीच अब कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज है कि दिवाली से पहले 3% महंगाई भत्ता और बढ़ने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 31% हो जाएगा, यानी कि ये दिवाली कर्मचारियों के लिए पहले ही रोशनी लेकर आ सकती है। कर्मचारी यूनियन की मांग है कि सरकार को जल्द ही 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। अफगानिस्तान की सीमाओं पर आत्मघाती हमलावरों की बटालियन तैयार करेगा तालिबान। जी हां, सैन्य ताकत के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले आतंकी संगठन तालिबान ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान देश की सीमाओं पर आत्मघाती हमलावरों की विशेष बटालियन तैयार करेगा। इन लड़ाकों को खास तौर पर बदख्शां प्रांत में तैनात किया जाएगा। इस प्रांत की सीमा तजाकिस्तान और चीन से लगती है। तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ जीत का श्रेय भी इसी बटालियन को दिया है। बदख्शां प्रांत के डिप्टी गवर्नर मुल्ला निसार अहमद अहमदी ने मीडिया से बात करते हुए आत्मघाती हमलावरों की इस बटालियन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बटालियन का नाम लश्करे मंसूरी यानी मंसूर आर्मी है और इसे देश की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। अहमदी के अनुसार ये बटालियन ठीक उसी तरह की है जो पिछली अफगानिस्तान सरकार में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आत्मघाती हमले किया करती थी। आपको बता दें कि अहमदी ने कहा कि आत्मघाती बटालियन के बिना अमेरिका की हार संभव नहीं थी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, महामारी एक्ट के केस लिए जाएंगे वापस। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत लोगों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में महामारी एक्ट में दर्ज केस वापस लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े हुए दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि थाना और सर्किल समेत फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में भागीदार खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिस कर्मियों की सूची जल्द तैयार की जाएगी। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि खराब करने नहीं दिया जाएगा। सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को दिल्ली में बनाया गया बंधक, तेज प्रताप के दावे पर तेजस्वी यादव का पलटवार। जी हां, आपको बता दें कि राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव कई महीनों से दिल्ली में हैं। चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद रांची के जेल में बंद लालू यादव को जमानत मिली है और दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सनसनीखेज बयान दिया है। आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप के इस दावे का खंडन किया है कि दिल्ली में 4-5 लोगों ने उनके पिता लालू प्रसाद को बंधक बना लिया है। लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर नजर आने वाले तेजस्वी ने कहा कि इस तरह के सभी आरोप निराधार हैं और बंधक होना लालू के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने कहा कि लालू जी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी करवाया। ये चीजें उनके कद से मेल नहीं खाती। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मतभेद चल रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुखर हैं। एजी और डीजीपी हटाने की मांग पर अड़े सिद्धू, कहा वरना नहीं दिखा पाएंगे अपना चेहरा। जी हां, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पंजाब सरकार पर हमला बोला है। इसी के साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। सिद्धू ने सरकार से मांग की है कि साल 2015 की बेअदबी मामले में अटॉर्नी जनरल और डीजीपी को हटाया जाए। सिद्धू ने कहा कि बेअदबी के मामलों में न्याय की मांग और नशीली दवाओं के व्यापार के मुख्य दोषियों की गिरफ्तारी के लिए साल 2017 में हमारी सरकार आई और उनकी विफलता के कारण लोगों ने पिछले सीएम को हटा दिया। अब एजी या डीजी नियुक्तियां पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। उन्हें बदला जाना चाहिए वरना हम चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आपको बता दें कि साल 2015 में पंजाब के फरीद कोट में सिख धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी मामले में पुलिस की गोलीबारी में 2 लोगों की जान गई। यह उन मुद्दों में से एक है जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद हुआ था। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। क्रूज पर की थी रेव पार्टी।
जी हाँ, क्रूज पर ड्रग पार्टी मामले में एनसीबी की टीम ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी की टीम ने आर्यन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि खबर के मुताबिक आर्यन ने एनसीबी अधिकारियों के सामने ड्रग लेने की बात कबूली है। आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की अब मेडिकल जाँच कराई जा रही है। ड्रग पार्टी करने के आरोप में एनसीबी ने 8 लोगों को हिरासत में लिया था। सभी 8 आरोपियों के पास से चरस, MDMA, MD और कोकेन समेत अन्य ड्रग्स बरामद किए गए थे। अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों की मेडिकल जांच कराई जाएगी, जिन्हें मेडिकल जांच के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद उन्हें किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर उनकी पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती है। हालांकि ये रिमांड कितने दिन की होगी ये पेशी के बाद ही साफ हो सकेगा। ट्विटर पर वापसी को बेताब है डोनाल्ड ट्रंप, अकाउंट बहाल कराने के लिए फ्लोरिडा की अदालत से लगाई गुहार। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार एक बार फिर से ट्विटर पर वापसी की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार उन्होंने ट्विटर पर अपना अकाउंट बहाल करवाने के लिए फ्लोरिडा की एक संघीय अदालत से गुहार लगाई है। ट्रंप ने संघीय अदालत के जज से अनुरोध किया है कि वो ट्विटर को उसके अकाउंट पर लगे बैन को हटाने का निर्देश दें। आपको बता दें कि जनवरी में US कैपिटल यानी अमेरिकी संसद भवन में हिंसा की घटना के बाद ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया था। ट्रंप के वकील ने मियामी में अमेरिकी जिला अदालत में याचिका दाखिल की, जिसमें ट्विटर और उसके CEO जैक डॉर्सी के खिलाफ प्राथमिक आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने दलील दी कि ट्विटर नियमों का उल्लंघन कर ट्रंप पर प्रतिबंध लगा रहा है। हालांकि संबंध में ट्विटर ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि ट्विटर के बाद फेसबुक, यूट्यूब ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया था। अशोक गहलोत का बीजेपी और RSS पर बड़ा हमला, कहा राजनीतिक फायदे के लिए अपनाया महात्मा गांधी का नाम। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और RSS पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने इन पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 60 साल बाद ये लोग महात्मा गांधी को अपनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि जिसने उनकी हत्या की वो व्यक्ति इनकी ही विचारधारा से प्रभावित था। सारी दुनिया इस बात को जानती है। इन लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी के नाम को अपनाया है। गहलोत ने कहा कि मैं PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मोहन भागवत से आग्रह करता हूं कि अगर आपने गांधी जी को अपना ही लिया है तो आप इनके अहिंसा, सच्चाई और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को भी अपने जीवन में उतार लें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो हिंदुत्व और लव जिहाद जैसे मुद्दे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण गुजरात और तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, महान चित्रकार पार्लो पिकासो ने कहा था, नाकामी का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब तक जीते नहीं हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।